अमित शाह के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह सापला स्थित कालिदास धाम पर आशीर्वाद देने पहुंचे। शाह के कालिदास धाम पहुंचने पर कालिदास महाराज ने आरती उतारकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान शाह के साथ प्रदेश बीजेपी प्रभारी अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। हरियाणा दौरे के दूसरे दिन अमित शाह रोहतक स्थित संघ के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने संघ और बीजेपी से जुड़े नेताओं के साथ बैठक की और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रोहतक में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने पहुंचे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शाह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सफीदों में अमित शाह की रोहतक स्वागत रैली में जाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बसें न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के जिला अधिकारियों ने बसों में तेल ही नहीं डलवाया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर वीडियो को वायरल कर दिया। ये कार्यकर्ता सफीदों से जींद पहुंचे थे। गुरुग्राम के सोना में पैसा दुगना करने वाली एक फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर गरीबों का पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। साइबर सेल ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सोहना में फूटपुरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर देर शाम दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। रोहतक निर्भया कांड में पीड़ित महिला के भाई की हत्या से एक बार फिर इस मामले में सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता के भाई का शव सोनीपत के दिल्ली रोड पर बने एक कमरे से बरामद हुआ है। परिवार का आरोप है कि जिस गांव के युवकों ने उनकी बेटी से गैंगरेप किया था, उसी गांव के युवकों ने उनके बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम में फॉर्मूला 1 कंपनी की गाड़ी ने पुलिस को कुचलने की कोशिश की। गुरुग्राम के MG रोड की एक घटना है। पुलिस ने नाका लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कार का पीछा कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मेवात में महिलाओं और बच्चों के बाल कटने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बीते 26 जुलाई से जिले भर में अलग अलग स्थानों पर बाल कटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी सप्ताह में अब तक दर्जन भर से करीब हुई घटनाओं ने महिलाओं और बच्चों में खौफ पैदा कर दिया है। नेताओं, अधिकारियों और ग्रामीणों की जागरूकता के बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही।